नड्डा भाजपा के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आइए जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। जेपी नड्डा 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। जेपी नड्डा भाजपा के 11वें अध्यक्ष बने। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के तहत सुबह पार्टी मुख्यालय में इस पद हेतु नामांकन दाखिल किया था। दूसरा कोई पर्चा दाखिल नहीं होने पर जेपी नड्डा को आम सहमति से अध्यक्ष चुन लिया गया। जेपी नड्डा अमित शाह की जगह लेंगे। अमित शाह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जेपी नड्डा को 19 जून 2019 को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जेपी नड्डा के समर्थन में 21 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी राधामोहन सिंह के सामने पेश किया। चुनाव प्रभारी राधामोहन सिंह की टीम ने मतदाता सूची तैयार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरोसे जेपी नड्डा चुनाव प्रचार की रणनीति में माहिर माने जाते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय से हुई। संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के प्रभारी वरिष्ठ बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह ने पार्टी मुख्यालय में इसकी घोषणा की। जेपी नड्डा इस पद पर 3 साल तक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा राज्यसभा के सदस्य हैं। जेपी नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना बिहार में हुआ था। जेपी नड्डा की प्रारंभिक शिक्षा और बीए की पढ़ाई पटना से हुई। उन्होंने एलएलबी की डिग्री हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से हासिल की। जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और उसमें जीत हासिल हुई। वो पहली बार साल 1993 में हिमाचल प्रदेश से विधायक चुने गए थे। अमित शाह ने साल 2019 में पार्टी के लिए हर सीट पर 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा था। जेपी नड्डा ने यूपी में पार्टी को 49.6% वोट दिलाने का करिश्मा कर दिखाया। जेपी नड्डा साल 1994 से साल 1998 तक पार्टी में नेता भी रह चुके हैं। जेपी नड्डा को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। बीजेपी ने साल 2012 में जेपी नड्डा को राज्यसभा सांसद बनाया था। साल 2007 में प्रेम कुमार धूमल की सरकार में वन पर्यावरण विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग के मंत्री बनाए गए थे। अब तक के पार्टी के अध्यक्षों की बात की जाए तो पार्टी अध्यक्ष के नाम और उनके कार्यकाल हम आपको बताते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से 1986 तक, लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 1991 तक, मुरली मनोहर जोशी 1991 से 1993, लाल कृष्ण आडवाणी 1993 से 1998, कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000, बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001, जनकृष्ण मोदी 2001 से 2002, वेंकैया नायडू 2002 से 2004, लाल कृष्ण आडवाणी 2004 से 2005, राजनाथ सिंह 2005 से 2009, नितिन गडकरी 2009 से 2013, राजनाथ सिंह 2013 से 2014, अमित शाह 2014 से 2020 और जेपी नड्डा का कार्यकाल 2020 से शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा ऐसे समय अध्यक्ष बने हैं जब बीजेपी को दिल्ली एवं बिहार विधानसभा चुनाव का सामना करना है। इसके अतिरिक्त बीजेपी के हाथ से कई राज्यों की सत्ता जा चुकी है तथा अब उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आने वाला है। जेपी नड्डा के सामने चुनौती होगी कि वो पार्टी को आगे बढ़ा सके। अमित शाह की अगुवाई में जिस तरह पार्टी ने लगातार जीत दर्ज की है, ऐसे में जेपी नड्डा के सामने चुनौती होगी कि वे इस जीत के सिलसिले को किस तरह से जारी रखते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।